इंडिया में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की मेजर प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट का हाई टैक्सेशन और रेगुलेशंस की कमी, और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि ओवरनाइट बाइनांस, OKX जैसे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को भी बैन कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिप्टो एक्सचेंजेस प्रॉपरली वर्क नहीं करते और इस वजह से बड़े इन्वेस्टर्स को करोड़ों के लेवल पर नुकसान हो जाता है। समटाइम्स इट फील्स लाइक कि RBI और गवर्नमेंट क्रिप्टो को इंडिया में एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट एसेट बनाना ही नहीं चाहती है, बट ये सारे हिंड्रेंसेस को फेस करने के बावजूद भी जिनको इन्वेस्ट करना होता है वो करके ही रहते हैं, बिकॉज यू नो देर आर ऑलवेज वेज टू डू वॉट यू वॉन्ट। अगर आप ये वीडियो अंत तक एक बार में देखेंगे तो आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, बिकॉज हम इस वीडियो में आपको डेक्स के बारे में बताएंगे, डेक्स क्या होता है, किस तरीके से आप लोग गैस फीस पे करके अपने पैसे बचा सकते हैं, और इतना ही नहीं हम आपको ये भी बताएंगे कि कॉन्सिक्वेंस को आपको डेक्स पे ट्रेड करना है, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और डेक्स पे ट्रेड करने के क्या क्या बेनिफिट्स है ओवर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हम डेली सुनते हैं। अगर आप अपने आप को प्रो इन्वेस्टर समझते हैं और आप ऑलरेडी जानते हैं कि डेक्स क्या होता है, आपको बस उसके बेनिफिट्स जानना है या फिर कैसे ट्रेड करना है बस ये जानना है, तो यू कैन फील फ्री टू होवर अराउंड द टाइम स्टैम्प्स दैट आर गिवन इन द वीडियो। कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज डेक्स? दोस्तों बड़े से बड़े नेशनल और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जो कि हम डेली लाइफ में सुनते हैं जैसे कि WazirX, CoinDCX, Binance, OKX, ये सारे ही सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में फर्क कैसे है, एंड इतने सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होने के बावजूद भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की जरूरत ही क्या पड़ी? अगर आप डेक्स के बारे में समझना चाह रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको क्रिप्टो में ट्रेड करते हुए 5-6 महीने हो गए और आपको एटलीस्ट बिगिनर फ्रेंडली नॉलेज है कि आप समझ पाए कि वर्ड डिसेंट्रलाइज क्या होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज का एम और प्रिंसिपल यही है कि वो फाइनेंस को डिसेंट्रलाइज करना चाहता है, ना कि कोई किसी सेंट्रल प्लेयर जैसे कि गवर्नमेंट या फिर कोई बैंक के पास एक अथॉरिटी ज्यादा ना रहे, यही उसका मेन मोटिव है। और डिसेंट्रलाइज होने का मतलब है कि जिसे सारे लोग मिलके ऑपरेट करते हो, सारे लोग मतलब कि मैं और आप भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से उसमें हो रहे हर एक ट्रांजेक्शन्स को, हर एक रिकॉर्ड को ट्रैक और एनालाइज कर सकते हैं। बाइनांस और WazirX ये सेंट्रल एक्सचेंजेस इस तरीके से हुए कि ये एक कंपनी है जो कि अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है, ट्रेडर्स के अकाउंट पे खुद का ऑथराइजेशन, खुद का अकाउंटेबिलिटी लगाती है, इस वजह से ये सेंट्रल है ना कि एक लोगों द्वारा ऑपरेटेड एक्सचेंज है। तो अब आते हैं व्हाई यू शुड यूज डेक्स ओवर द सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। ऐसे तो क्या बेनिफिट्स हैं डेक्स यूज करने के जो कि हमें सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस नहीं प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहला और मेन बेनिफिट है डेक्स यूज करने का जो कि है एक्सेसिबिलिटी। जब भी आप डेक्स यूज करते हैं तो आप अपने क्रिप्टो वॉलेट को खुद मैनेज करते हैं, अपने फंड्स को भी खुद मैनेज करते हैं। अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज कर रहे हैं तो आपके अकाउंट पे सम ऑथराइजेशन, सम एक्टिविटी रेगुलेशन, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करने का हक सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे रहता है। वो चाहे तो कभी भी आपका अकाउंट फ्रीज भी कर सकता है, जबकि डेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपना फंड्स खुद से मैनेज करते हैं, अपने प्राइवेट टोकन्स को भी खुद से मैनेज करते हैं, पर इसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज आपके टोकन्स को सेव करता है, उसका बैकअप भी रखता है। अगर आपने अपने प्राइवेट टोकन्स को खो दिया तो फिर हो सकता है कि आप अपने 100% फंड्स को एक ही बार में खो देंगे। बेनिफिट नंबर 2 इज ट्रेडिंग फीस। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में हमेशा हाई ट्रेडिंग फीस होती है जिसकी वजह से एक कंपनी जैसे कि बाइनांस या कोई और भी सेंट्रल एक्सचेंज प्रॉफिटेबल रह सके, अपना प्रॉफिट कमा सके। पर जबकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कोई कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं है बीच में जिसको प्रॉफिट कमाना होता है, सारे लोग मिलकर वो एक्सचेंज ऑपरेट करते हैं, जिस वजह से उसमें हमेशा लो गैस फी होती है, लो कन्वीनियंस फी होती है, जिस वजह से आप बहुत सारी ट्रेडिंग फीस बचा सकते हैं। और ये ट्रेडिंग फीस इतनी कम होती है कि नियरली जीरो होती है एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। थर्ड बेनिफिट इज गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या फिर डेक्स एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से बाइफर्गेशन मिल जाता है जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कभी नहीं कर सकते हैं। और इनफैक्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को जैसे बैन कर दिया जाता है एज वी टॉक्ड अर्लियर, डेक्स को इस प्रकार से बैन कभी नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। बेनिफिट नंबर 4 इज लैंडिंग फीचर्स। कुछ डेक्सेस में आप डेक्स के पास से फंड्स को बोरो कर सकते हो और जिस वजह से आप अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम को लेवरेज कर सकते हो इनटू 2x, 3x एज पर योर वांट्स, जिस वजह से आप कम कैपिटल पे भी ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हो। और इतना ही नहीं, अनलाइक सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस इसमें आप मनी लैंड कर सकते हो, उधार दे भी सकते हो और उसमें एक स्टेबल इंटरेस्ट गेन करके एक पैसिव इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हो। बेनिफिट नंबर 5 इज सिक्योरिटी। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में हमारा सारा फंड, सारा क्रिप्टो एसेट्स एक्सचेंज खुद मैनेज करता है अपने वॉलेट्स के थ्रू, जिस वजह से उन पे साइबर अटैक्स का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे बेस्ड है और उसको हैक करना इज़ नियरली इम्पॉसिबल। तो अगर कभी बाई चांस आपका क्रिप्टो एक्सचेंज हैक हो गया
तो फिर आप अपना सारा ही फंड लूज कर दोगे। और इनफैक्ट इसके बारे में ना सेंट्रलाइज एक्सचेंज कुछ कर सकता है, ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। ये तो हो गए प्रोज की बात, की फायदे की बात, पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करने के अपने कुछ नुकसान भी है। हम आपको सारे ही प्रोज एंड कॉन्स ट्रांसपेरेंटली बताना चाहेंगे। डेक्स यूज करने के मेजरली दो ही डिसएडवांटेजेस है। नंबर वन इज लेस फीचर्स, जैसे कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप P2P, लेवरेज ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हो, वैसे ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते इन लेवरेज एंड F&O। वैसे तो उसके लिए भी आज के टाइम पे कुछ प्लगइन्स है, कुछ यूज केसेस है डिफरेंट क्रिप्टो कॉइन्स के, बट डायरेक्टली आप F&O ट्रेड नहीं कर सकते इंडेक्सेस। एंड द सेकंड मेजर डिसएडवांटेज इंडेक्स इज ट्रेडिंग वॉल्यूम। जैसे हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज में कभी भी मार्केट वैल्यू पे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि वो करंट मार्केट प्राइस पे ही चल रहा होता है, बिकॉज उनके पास लिक्विडिटी ज्यादा होती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफी ज्यादा होते हैं, यूजर बेस भी काफी ज्यादा होता है। डेक्स में ऐसा नहीं होता, डेक्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी कम है। अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के यूजर बेस का वॉल्यूम कंपेयर करें तो 95% लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ही ट्रेड करते हैं। ओनली द 5% ऑफ क्रिप्टो ट्रेड्स आर डन ऑन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। बट धीरे धीरे ये एडॉप्शन रेट बढ़ रहा है, और बिकॉज ऑफ लो गैस फीस एंड रेगुलेशन बाइफर्गेशंस, डेक्स पे नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ भी रहा है धीरे धीरे। अब द मेन क्वेश्चन इज कि व्हाट शुड यू प्रीफर, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस नेम्ड एज डेक्स? इसका सीधा सा आंसर तो देना मुश्किल है, बट बेस्ड ऑन योर चॉइस एंड बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस यू आर फ्री टू चूज वॉट एवर यू वॉन्ट। बट फिर भी फॉर अ सजेशन आई वुड से कि जब भी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना हो तो यू कैन चूज अ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस, और जब भी आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी हो या फिर कोई अर्ली लिस्टिंग वाले कॉइन का बेनिफिट उठाना हो तो फिर यू कैन यूज डेक्स। तो यार यहाँ तक तो हो गया सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वर्सेस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, पर अगर हम डेक्स की ही बात करें तो डेक्स में भी बहुत सारे डेक्स हैं। हर एक अलग अलग कॉइन के लिए कोई अलग अलग डेक्स बेटर रहता है। वी विल गाइड यू कि आपको डेक्स भी कैसे सिलेक्ट करना है। अब जब भी हम डेक्स चूज कर रहे होते हैं तो फर्स्टली हमें ये देखना होता है कि हमें कौन से कॉइन्स ट्रेड करने हैं हमारे डेक्स के ऊपर, और फिर वो कॉइन्स कौन से ब्लॉकचेन के ऊपर बने हैं। मोस्टली कॉइन्स जो कि हम डेक्स पे ट्रेड करना चाह रहे होते हैं वो सोलाना या फिर इथेरियम पे ही बने होते हैं। तो अगर आप सोलाना बेस्ड कॉइन्स को डेक्स पे ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए जुपिटर और रेडियम जैसे डेक्स और डेक्स एग्रीगेटर्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे इन यूजिंग एनी डेक्स। मैंने अभी एक वर्ड यूज करा डेक्स एग्रीगेटर। दिस इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अ डेक्स एंड अ डेक्स एग्रीगेटर। जैसे हमने बताया कि बहुत सारे डेक्स होते हैं, हर एक डेक्स पे कुछ ना कुछ अलग प्राइस चल रहा होता है हर एक कॉइन का, तो अब आपके लिए कौन सा डेक्स बेस्ट रहेगा वो सर्च करने के लिए आप सारे ही कॉइन्स की सारे डेक्सेस में रिसर्च तो कर नहीं सकते एक ही मिनट में, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी इतने जल्दी फ्लक्चुएट हो जाता है। तो उसके लिए द बेस्ट वे इज डेक्स एग्रीगेटर। अब डेक्स एग्रीगेटर क्या होता है कि उनके पास खुद का एक ट्रेडिंग लिक्विडिटी नहीं होती। डेक्स एग्रीगेटर आपके लिए पता करेगा कि जिस कॉइन को आप ट्रेड करना चाहते हैं अलग अलग डेक्सेस पे सबसे कम प्राइस में वो आपको कहाँ से मिलेगा। एंड अगर आप मैन्युअली डेक्सेस के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो आप कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर नेविगेशन में से एक्सचेंजेस सेलेक्ट करिए एंड उसमें से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस सेलेक्ट करके आपको सारे ही डेक्सेस की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप सॉर्टिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ट्रेडिंग वॉल्यूम, द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट द डेक्स इज सपोर्टिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यार यही था डेक्स के ऊपर बस एक डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड वीडियो। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी, एंड इफ यू थिंक सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, इट विल हेल्प अस लॉट इन क्रिएटिंग सच मोर कॉन्टेंट फॉर यू। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।